हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो हमें जैसे क्वेश्चन आ सकता है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर का मतलब तो आपको पता ही है। ड्यूअल मतलब जो ऐसा मैटर जो वेव करेक्टर को भी शो कर रहा है और पार्टिकल करेक्टर को भी शो कर रहा है, ठीक है। पार्टिकल में हम ले सकते हैं जैसे सेंट ऑफ ग्रेन ऑफ सैंड ले सकते हैं, और जो वेव है वेव में जैसे पॉन्ड में अगर हम पत्थर फेंकें तो उसमें वेव्स क्रिएट होती हैं, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है या इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, हु प्रपोज द ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर। मैटर का जो ड्यूअल बिहेवियर है वो किसने प्रपोज किया था सबसे पहले, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये बन जाता है। और सेकेंड क्वेश्चन बनता है, डिराइव डी ब्रॉगली रिलेशन एंड डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस इन आर डेली लाइफ। ओके, तो फर्स्ट ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर में क्या आ सकता है, किसने प्रपोज किया था ये सबसे पहले ड्यूअल बिहेवियर। तो ड्यूअल बिहेवियर सबसे पहले प्रपोज किया था ल्यूस डी ब्रोगली ने, ठीक है। कब किया था ये, पहले तो ये बताना पड़ेगा कि कहाँ के रहने वाले थे ये। ये एक फ्रेंच फिजिस्ट थे, फ्रेंच फिजिस्ट थे। और कब दिया ये, कब प्रपोज किया था ड्यूअल बिहेवियर मैटर का, ये किया था 1924 को। और सेकेंड देखो, ये क्वेश्चन बन सकता है, डिराइव डी ब्रोगली रिलेशन एंड डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस इन आर डेली लाइफ। तो डी ब्रोगली रिलेशन क्या है, डी ब्रोगली रिलेशन। तो इन्होंने क्या किया, दो इन्होंने एक तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ले ली और आइंस्टीन इक्वेशन ले ली, उन दोनों इक्वेशन को इक्वेट किया और वहाँ से कुछ एक वैल्यू निकली, उसी से उन्होंने प्रूव किया कि जो मैटर है, मैटर जो है वो ड्यूअल करेक्टर को शो करता है, ठीक है। तो हम इस रिलेशन को कर लेते हैं, क्या क्या था ये, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ये तो मैंने पढ़ाया था आपको रिलेशन क्या होता है, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या थी, पहले तो इसमें लिख लेते हैं कि जो अगर उन्होंने पहले तो अज्यूम किया था, ठीक है, इफ फोटोन इज सपोज्ड टू हैव वेव करेक्टर इट्स एनर्जी इज गिवन बाय। तो क्या रिलेशन दिया था उन्होंने, E इज इक्वल टू एच मी, इस इक्वेशन को नंबर दे देंगे 1। E जो है एनर्जी है, H जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, और जो म्यू है वो है आपकी फ्रीक्वेंसी। ओके, और सेकेंड रिलेशन क्या लिया था, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या माना था, अगर इफ द फोटोन इज सपोज्ड टू हैव पार्टिकल करेक्टर इट्स एनर्जी इज गिवन बाय, तो इसकी एनर्जी क्या थी, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर,
इसको नंबर दे देंगे 2। ई जो है वो एनर्जी आ गई, ठीक है, ई क्या आ गई, एनर्जी आ गई, और एम क्या आ गया, मास ऑफ फोटोन, और सी आ गया वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो लिख देंगे एम इज द मास ऑफ फोटोन एंड सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को, नंबर 1 इक्वेशन, नंबर 2 इक्वेशन को इन्होंने इक्वेट कर दिया। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो क्या रिलेशन बना, एच म्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, और जो म्यू है ये रिलेशन, सॉरी, क्या रिलेशन बना यहाँ से, जब हमने इक्वेट कर दिया दोनों इक्वेशन को, तो ये रिलेशन बन गया एच म्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ठीक है। और म्यू हमें पता है रिलेशन, जो सॉरी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन क्या है, म्यू इज इक्वल टू सी लैम्डा, तो ये बन गया हमारा, यहाँ पे म्यू की वैल्यू पुट कर देंगे, सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो एच अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एम सी, और लैम्डा, ये जो लैम्डा इस साइड आ जाएगा और ये एम सी आ जाएगा नीचे। तो इन्होंने बोला ये रिलेशन तो इन्होंने निकाल दिया, पर जो डी ब्रॉगली था उन्होंने पॉइंट आउट किया इस इक्वेशन से कि ये इक्वेशन सिर्फ मटेरियल पार्टिकल के लिए अब एप्लीकेबल है। तो उन्होंने क्या कर दिया, फिर जो मास ऑफ फोटोन था, यहाँ लिख रही हूँ मैं, मास ऑफ फोटोन को रिप्लेस कर दिया मास ऑफ मटेरियल पार्टिकल से, मास ऑफ मटेरियल पार्टिकल, मास ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स के साथ, ठीक है। और दूसरा क्या था, वेलोसिटी ऑफ फोटोन को रिप्लेस कर दिया, वेलोसिटी ऑफ फोटोन, मतलब वेलोसिटी ऑफ फोटोन, ये सी, सी को किससे रिप्लेस कर दिया, वेलोसिटी, वेलोसिटी वी ऑफ मटेरियल, ऑफ मटेरियल पार्टिकल के साथ, पार्टिकल्स के साथ। तो क्या रिलेशन बन गया, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम, सॉरी सॉरी फट गई है, एम, और जो सी था सी को रिप्लेस कर दिया वेलोसिटी के साथ, तो ये रिलेशन बना, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी एम एम वी। और आपको पता है, आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी ये टर्म, जो पी है, पी क्या है, ये है मोमेंटम, एम वी से इसको, पी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, उसी को क्या बोला है, मोमेंटम। तो इस वाले रिलेशन को अब उन्होंने ऐसे रिप्लेस कर दिया, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, ये रिलेशन निकाला उन्होंने, और इसी रिलेशन को उन्होंने नाम दे दिया डी ब्रॉगली रिलेशन, ठीक है, डी ब्रॉगली रिलेशन। और फिर ये क्वेश्चन पूछा था कि डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस इन आर डेली लाइफ, डेली लाइफ में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इसका, कोई महत्व नहीं है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, बट इसकी इम्पोर्टेंस है सिर्फ वेव करेक्टर और पार्टिकल करेक्टर को रिलेट करने की, ठीक है। तो मैं एक बार रिकॉल कर देती हूँ जल्दी जल्दी आपको, सबसे पहले ड्यूअल, जो मैटर का ड्यूअल नेचर है किसने दिया था, ये ल्यूस डी ब्रॉगली ने, ल्यूस डी ब्रॉगली ने, और एक ये फ्रेंच फिजिस्ट थे, और कब दिए थे ये रिलेशन मैटर ऑफ ड्यूअल नेचर, 1924 को। फिर डी ब्रॉगली रिलेशन किसने दिया था, ये हो गया कि ल्यूस डी ब्रॉगली ने दिया था, फ्रेंच फिजिस्ट थे और 1924 को दिया था। तो जो डी ब्रॉगली रिलेशन था, इसमें दो थ्योरीज को कंबाइन करके एक पर्टिकुलर रिलेशन निकाला गया, उसी को नाम दे दिया गया था डी ब्रॉगली रिलेशन। तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या माना गया था कि जो फोटोन है, फोटोन वेव करेक्टर को शो करता है, और इसकी एनर्जी हमने
निकाली भी थी पिछले वाले वीडियो में, E इज इक्वल टू एच म्यू। एच जो है प्लैंक्स कांस्टेंट होता है और म्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी होती है। और सेकंड है अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशन, इसमें जो फोटोन है, फोटोन को क्या माना गया है, पार्टिकल करेक्टर माना गया है, ठीक है। तो इसका रिलेशन होता है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। एम जो है मास ऑफ फोटोन होता है और जो सी है वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है। और इन दोनों रिलेशन को इक्वेट किया गया तो ये रिलेशन मिला, एच म्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, एम सी स्क्वेयर। और म्यू क्या है, म्यू हमने रिलेशन फाइंड आउट किया है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच में। म्यू इज इक्वल टू लैम्डा सी अपॉन म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा रिलेशन, और सी से सी कैंसिल हो जाएगा, एच अपॉन लेमडा इज इक्वल टू एम सी, और लेमडा यहाँ ले आएंगे और एम सी यहाँ लेके आएंगे तो ये रिलेशन बन जाएगा। पर इसमें बोला गया कि जो ये इक्वेशन है सिर्फ ये मटेरियल पार्टिकल के लिए अप्लीकेबल है, तो मास ऑफ फोटोन जो है उन्होंने रिप्लेस कर दिया मास ऑफ मटेरियल पार्टिकल के साथ, और जो वेलोसिटी सी ऑफ वेलोसिटी सी थी फोटोन की उसको रिप्लेस कर दिया मटेरियल पार्टिकल के साथ। तो ये रिलेशन बना लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, और एम वी आपको पता है ये क्या होता है, मोमेंटम होता है। तो यहाँ ये लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी बन गया आपका रिलेशन, यही है आपका डी ब्रोगली रिलेशन। सो थैंक यू, अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और मैं थोड़ा सा आपको कुछ एक ये शेयर करना चाहती हूँ। सुबह पढ़ा था मैंने, अंधेरे को हटाने में समय बर्बाद मत करिए, अंधेरे को हटाने में समय बर्बाद मत करिए, बल्कि दिए को जलाने में समय लगाइए, दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं खुद को ऊंचा उठाने में समय लगाइए। थैंक यू सो मच।